सोनभद्र में शुक्रवार को पत्थर की खदान धंसने के बाद मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और खदान में दबे सभी 5 मजदूरों का शव निकाल लिया गया है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के मारकुंडी खनन क्षेत्र की है, जहां पत्थर का खनन करते समय अचानक ही खदान धंस गई और काम कर रहे लगभग 7 मजदूर उसमें फंस गए। हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 मजदूर घायल अवस्था में खदान से बाहर निकाले गए थे। अट्ठाईस फरवरी की रात में पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने 1 मार्च तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर पत्थर के मलबे में दबे 5 मजदूरों का शव निकाल लिया। निकाले गए 2 मजदूरों में से 1 मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। यहाँ डीएम साहब के द्वारा हम लोग को 8 बजे रिक्वजिशन मिला था और हमारी टीम बनारस से निकली थी और 11 बजे रात में यहाँ पहुँच गए थे। उस समय से लगातार रेस्क्यू करते हुए लगभग 36 घंटा हम लोग यहाँ रेस्क्यू किए, जिसमें से 5 सब बरामद करके लोकल प्रशासन को सुपुर्द कर दिए। अब सर ये खदान की क्या पोजीशन है, अभी कोई रहने के उसमें कोई अंदेशा नहीं? लगभग फाइनल सर्च कर लिए अपने हमारे तरफ से, अब उसमें विक्टिम फंसे होने की संभावना। बता दें कि 28 फरवरी की शाम से लगातार 1 मार्च 8 बजे सुबह तक एनडीआरएफ की टीम लगातार दिन हो या रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ पत्थर के मलबे को हटाती नजर आई। मलबे को हटाने का काम खत्म कर दिया गया, एनडीआरएफ की टीम वापस हो गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जो मजदूर मिसिंग थे, गायब बताए जा रहे थे, उनके शव और मजदूरों को बरामद कर लिया गया है। इनकी जो मदद होगी की जाएगी। घायलों को तुरंत निकाल लिया गया था और उनको इलाज के लिए इलाज चल रहा है और 5 लोगों के मरने की सूचना थी। जितने सस्पेक्टेड नाम आए थे सभी की बॉडी हम लोग लगातार रेस्क्यू किए हैं। शुक्रवार से लेकर आज तक सवेरे तक 3-2.5 बजे अंतिम बॉडी भी 2:30 बजे करीब रिकवर हो गई है। 5 बॉडी रिकवर होकर के मर्चरी में 2 बॉडियों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, कल 3 बॉडी का आज पोस्टमार्टम किया जाए। सर अभी रेस्क्यू चल रहा है, अभी चूँकि मलबा वहाँ थोड़ा बचा हुआ रहता है तो उससे भी हटा के कन्फर्म किया जा रहा है, कुछ और कैजुअलिटी नहीं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है अभी खदान मालिकों पे? देखिए इसमें कार्रवाई के संबंध में उच्च स्तरीय जांच जो भी होगी उसका परिणाम जो आएगा उसका। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन के अधिकारियों पर खदान के पट्टा धारक पर मुकदमा ना कायम करने का दबाव बनाया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी अपनी नजर चुराते नजर आए। एक चीज बताओ, नगद दे रहा तुमको, क्या मुकदमा आप लगना चाहते हो, लिखवाना चाहते हो? मतलब ये आपकी सहूलियत के लिए बात हो रही है भाई, वो तो पट्टे धारक है, जो उसको देखना होगा झेल लेगा। आपको नगद धनराशि मिल रहा, सहयोग मिल रहा, वहाँ सबसे बात हुई थी, चूंकि वहाँ अलग ले जाकर हमने सबसे पूछा तो सबने कहा जो जो परिजन है कागने साहब उनको मुकदमा से क्या मतलब है, हम लोग जो सहयोग मिल जा रहा सरकारी इंश्योरेंस भी मिलेगा ही, इंश्योरेंस भी मिलेगा। कितना हो जा रहा था जोर करके जोर कैलकुलेट कर लिया? 17 बोल रहे हैं ना, 17 आपको बता दिए ना, 17 लाख। 2 लाख का चेक अभी दे रहे हैं, 5 लाख रुपया नगद देंगे, ठीक है। 7 लाख का बीमा पट्टेधारक कराया हुआ है तुम्हारा, वो 7 लाख बीमा मिलेगा, बीमा का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करके मिलेगा। 3 लाख रुपया किसान सर्वहित बीमा योजना मिलेगा, वो भी फॉर्म लेखपाल भराएगा, वो सरकारी है, ठीक है, वो मिलेगा। उसको सर 25 लाख करा दीजिए, जैसे आप ग्राउंड सरकारी तो सरकारी सर जो है, अगर खनन मालिक जितना दे रहे हैं उतना उसमें बढ़ा करके दे दें उनको, 25 लाख कर दें, 2 लाख 3 लाख देता था हमने अपनी तरफ से, 5 लाख कर दिया है। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं वो एफआईआर करना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना झेलेगा, हमें क्या करना है। ठीक सर, ठीक तो बुलवा लो, चेक बुलवा दो, ठीक है, बुलवा लिया जाएगा तो फिर कितना कम कराएंगे, अट्ठाईस फरवरी की शाम 4 बजे घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 घायल मजदूरों को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 1 मजदूर की हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा कुछ और लोगों के दबे होने की जानकारी दी गई।
जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर पत्थर के मलबे को हटाने का काम शुरू कर चुका है। 29 फरवरी को दो मजदूरों का शव बाहर निकाला गया। साथ ही 29 फरवरी को मध्य रात्रि 2 बजे 3 और मजदूरों के शव निकाले गए। इस तरह कुल 5 मजदूरों का शव और 2 घायल मजदूरों को हादसे में बाहर निकालकर रेस्क्यू का काम खत्म किया गया। सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।